टर्शियर स्कूल, उसका 6:20 तक है ना बाहर जाके खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि अब वो बाय बस जाता है। पहले बाय साइकिल जाया करता था, लेकिन अब वो साइकिल से नहीं जाएगा, बस से जाएगा, क्योंकि अब वो थर्ड यूनिट में आ गया है। सेम स्कूल है लेकिन अब वो थर्ड यूनिट में है और वो थोड़ा दूर है, तो उसकी वजह से है ना उसको इसके हर्षित के पापा ने है ना बस ही लगवा दी है, क्योंकि वहाँ पर है ना थोड़ा हाईवे टाइप भी पड़ता है और थोड़ा भीड़ भड़क्का भी रहता है। तो हर्षित के पापा ने कहा कि ना बस है ना ज़्यादा वो रहेगी, उसके फ्रेंड्स वगैरह भी बस से ही जा रहे थे, तो फिर हमने भी सोचा कि हम लोग भी बस से उसको है ना भेज देंगे साइकिल से। हमें तो यहाँ पर भी भेजने में डर लगता था, सही बताऊँ तो, लेकिन फिर वही था कि ना वो चाहता था कि मैं साइकिल से, क्योंकि उसके दोस्त वगैरह भी, और होता है ना बच्चे अपनी एज के बच्चों के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स के लिए तो बच्चे कहाँ बड़े होते हैं, यही रहता है। तो अभी बस इसके लिए आज मैंने लंच बॉक्स में अपना जल्दी से भिंडी बना दी थी, रात को ही कट करके रख दी थी ताकि सुबह है ना जल्दी से बना सकूं, और साथ में मैंने पराठे सेक दिए थे और ना फ्रूट बॉक्स के अंदर मैंने ना बनाना रख दिए थे कट करके। तो इस तरह से मेरा आज था उसका लंच उसका, और आजकल इसी तरह से मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। और क्योंकि उसको मुझे 6:20 तक स्कूल के लिए ना रेडी करके भेज देना होता है, इसलिए आप समझ लीजिए कि मुझे कितने बजे उठना पड़ता होगा। 4:30 बजे का अलार्म लगाती हूँ, पर सही बताओ ना तो 5:05 मुझे पौने 5 मुझे बज जाते उठते उठते, नहीं नींद खुलती, क्योंकि आपको सोचिए रात को कोई इंसान अगर 12-1 बजे सो रहा है तो वो कहाँ 4:30 बजे उठ जाएगा। तो आंखें देख रहे इस समय इतनी भारी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि बस सो जाओ। तो बस अभी मैंने अभी अपना लड्डू गोपाल जी को ना ब्रेकफास्ट दे दिया उनको, तो वो कर लें पहले, फिर उसके बाद में मैं भी कर लूँगी, फिर उसके बाद में मैं थोड़ी सी देर लेट जाऊँगी। आंखें बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, सिर थोड़ा भारी भारी सा होने लग गया है, तो फिर उसके बाद में, क्योंकि हस्बैंड जी तो 10 बजे तक जाएंगे तो एक नींद हो जाएगी छोटी सी। छोटी सी नींद ले ली थी थोड़ी सी, तो अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है अभी फ़िलहाल। और सोने से पहले मैंने ना दलिया ले लिया था और एक बनाना ले लिया था, तो पेट में भी मतलब सुबह उठ जाओ जल्दी तो भूख भी जल्दी लग जाती है, तो फिर मैंने वो लेकर के फिर मैं सो गई थी। फिर उसके बाद में इनको दुकान पर भी भेज दिया है ना, कपड़ों पर आयरन करी, इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करके करा के इनको दुकान भी भेज दिया है। और अभी मैं थोड़ी सी कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि घर थोड़ा सा और क्लीन करते रहो ना तो सही रहता है, मैनेज रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, घर भी साफ लगता है, नहीं तो है ना फिर बहुत ज़्यादा गंदा लगने लग जाता है, बहुत ज़्यादा मैस लगता है, बहुत ज़्यादा फैलावड़ा फैल जाता है। बच्चे हैं ना सामान इधर रख देते हैं उधर रख देते हैं, तो उनको उनकी जगह पर रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी मैं ना क्लीनिंग कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद हम लंच की तैयारी कर रहे हैं। दिखाया नहीं, मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे सास ससुर है ना वहाँ पर गए हैं घूमने गए बाय बस, तो क्या क्या लेकर के आए, तो मेरे लिए देखिए ये वाली बैंगल्स लेकर के आए थे, ये लकड़ी की हैं ये, और खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए हर्षित के लिए एक ये वाला ब्रेसलेट जिसके ऊपर जय श्री बालाजी लिखा हुआ है, तो इस तरीके का ब्रेसलेट है ये हर्षित के लिए। और एक ये लॉकेट लेकर के आए गले में पहनने के लिए,
और साथ में एक ये पेन है, इसके अंदर मतलब डिफरेंट टाइप के कलर के ना वो हैं, कलर के पेन है, और ये इस तरह से ये है, छोटा सा बना हुआ है, क्यूट है, मतलब जैसे किसी डायरी वगैरह में ना लगा दो या ऐसे लटका लो, अच्छा है। तो हर्षित के लिए ये तीन चीज़ लेकर के आए थे और मेरे लिए ये बैंगल्स। क्लीनिंग ऑल डन हो गई है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पालक पनीर। तो मैंने जिसके लिए जीरा लिया है, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्ची। इसके अलावा आप है ना सिनेमन स्टिक इस टाइम पर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पाउडर करके रखी हुई है तो मैं पाउडर फॉर्म में बाद में डालूँगी। उसके बाद में जब ये अच्छे से ड्राई मसाले जो हैं वो हो जाएँ, तो उसके बाद में मैंने प्याज डाला है। प्याज को अच्छे से भून लेना है, इसके अंदर भुनाई ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर टमाटर डाले हैं, टमाटर को भी अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर को मैंने ऐड कर दिया है, और उसके बाद में इन मसालों को भी मैंने अच्छे से सारे मसाले के साथ में भून लिया है। जब ये सारे मसाले भून जाएंगे तो इसके बाद में मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ पालक की प्यूरी। इसे मैंने थोड़ा सा है ना बॉईल कर लिया था और उसके बाद में बस उसको पीस लिया था, और यहाँ पर इसको मैंने ऐड कर दिया और उसको मिक्स कर लेंगे। और इसी टाइम पर ही इसके अंदर हम पानी या दूध है ना, मैंने दूध डाला था क्योंकि इससे कलर का मतलब टेक्सचर अच्छा आता है, इसलिए मैं इसके अंदर दूध डालती हूँ। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में मैंने नमक डाला है, चीनी डाली है। चीनी जो डाली है इससे खटास जो होती है वो बैलेंस हो जाती है। इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से, और अब मैं इस वाली कढ़ाई को दूसरी गैस पर है ना ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, और इस वाली गैस के ऊपर दूसरी कढ़ाई रखूँगी जिसके अंदर मैं पनीर को तलूँगी, क्योंकि हम लोग पनीर जो होता है ना उसको वैसे नहीं खाते हैं, बिना भुना नहीं खाते हैं, मतलब तला हुआ। जैसे कई लोग होते हैं कच्चा भी खा लेते हैं ना, तो कच्चा नहीं खाते हैं तो भून कर ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई के अंदर पनीर डाल लिया है और इसको लाल होने तक भून लूँगी। जब ये भून जाएगा तो मैंने यहाँ पर डाला है सिनेमन पाउडर। आप सिनेमन स्टिक डाल रहे हैं तो स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, और यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये सारे मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। ये दूसरा तड़का है, मैं पालक पनीर है या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं है ना दो तड़के ही लगाती हूँ। तो ये देखिए हमारा पालक पनीर है ना तैयार है। इसके अंदर आप मलाई भी डाल सकते हैं, उससे तो और भी ज़्यादा टेक्स्चर अच्छा आ जाता है। तो ये हमारा पालक पनीर जो है वो तैयार है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। ये पहने हुए मुझे एक साल होने वाला है, आने वाली है ना अक्षय तृतीया।